आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने प्रश्न दे रखा है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। देखिए, अपने पास विकल्प है गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, अपने सभी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण में क्या होता है, इसमें जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसके आकार, गुण आकार, स्वभाव आदि को बतलाते हैं, आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, कि विशेषता प्रकट करते हैं। अब इसके बाद अपने पास आगे क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हो, कि निश्चित संख्या का बोध कराते हो, तो उसमें होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसे, अपने उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आगे कोई 10 पक्षी, 5 लोग, तो यहाँ पे संख्या निश्चित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें जो संख्या होती है उसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध। अब अपने इसे भी शब्दों से देख लेते हैं कि किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखिए, इसमें जो शब्द होते हैं वो होते हैं जैसे कुछ लोग, कुछ लोग, या अपने ऐसे कह सकते हैं बहुत थोड़े बच्चे, बहुत थोड़े बच्चे। और इसमें सिर्फ संख्या सूचक शब्द आते हैं जिन्हें अपने गिन सकते हैं। इसके बाद अपने पास है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसमें अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, अनिश्चित मात्रा का बोध। और मात्रा भी किसकी मात्रा होनी चाहिए, या तो किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की। मात्रा किसकी होगी, किसी वस्तु की मात्रा होगी या किसी पदार्थ की मात्रा होगी। और इसके जो शब्द होते हैं वो होते हैं जैसे कम, थोड़ा, बहुत, अधिक। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो पदार्थ के लिए अपने उपयोग में लेते हैं, तो यह शब्द आते हैं। अब देखिए, अपना प्रश्न है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो यहाँ पे जो मात्राओं का प्रयोग है उन्हें अपने गिन सकते हैं, जो गलतियां हैं वो गिनी जा सकती हैं, गलतियों को अपने गिन सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो विशेषण है वो है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, यह इस वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ अपने प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अपने विकल्प, अपने प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।